हेलो दर्शकों, कैसे हैं आप? आज मैं इडली, डोसा, उत्तप्पा और मेदू वड़ा के साथ में परोसे जाने वाली नारियल की चटनी की रेसिपी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। दक्षिण भारत के व्यंजनों के बारे में बात करें और उसमें नारियल की चटनी का जिक्र न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए दक्षिण भारत की यह पारंपरिक नारियल की चटनी की रेसिपी देख लेते हैं। सभी दर्शकों का मैं एक बार फिर से मिक्स सीजन्स में स्वागत करती हूँ। मैंने यहाँ पर एक कप छोटे छोटे नारियल के टुकड़े काट कर लिए हैं और मैंने इसका पीछे का ब्राउन पार्ट जो होता है ना, वो निकाल लिया है। आप चाहें तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। नारियल के ब्राउन पार्ट का हिस्सा निकालने से चटनी काफ़ी मुलायम भी बनती है और मिक्सर ग्राइंडर जार में इसे पीसने में कठिनाई भी नहीं होती है। और साथ में एक इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और 4 से 5 यहाँ पर मैं हरी मिर्च लूँगी। आप हरी मिर्च अपने स्वाद के अनुसार इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कम तीखी हरी मिर्च ली है और अब साथ में ऐड कर देंगे स्वाद के अनुसार नमक और जीरा 1/2 चम्मच लेंगे। साथ में मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून भुनी हुई चने की दाल ली है, जिसे इंग्लिश में रोस्टेड बंगाल ग्राम भी कहते हैं। आप इसे अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। और अगर आपके पास में भुनी हुई चने की दाल नहीं है तो आप इसकी जगह पर भुनी हुई मूंगफली 1 टेबलस्पून डाल दीजिए। चलिए अब चटनी को खट्टा स्वाद देने के लिए इसमें 1 टेबलस्पून दही डाल देंगे। अगर दही नहीं है तो आप नींबू का रस डाल सकते हैं, इमली का एक छोटा सा टुकड़ा डाल सकते हैं। और मैंने 3 से 4 टेबलस्पून इसमें पानी डालकर इसका एक दरदरा सा पेस्ट बना लिया है। आप चटनी की कंसिस्टेंसी जिस प्रकार से चाहते हैं उतना ही उसमें पानी डालें और इस तरह का एक पेस्ट बना लें। और दर्शकों, अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और साइड में जो बेल बटन आइकॉन है ना, उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी नई नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए चटनी को अब हम एक सर्विंग बोल में निकाल लेते हैं और अब हम तड़के की तैयारी करेंगे। तो चलिए अब इस चटनी को हम तड़का देते हैं, जिससे नारियल की चटनी का स्वाद दुगुना हो जाता है। तो चलिए, मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून तेल लिया है और उसमें अब मैं डालूँगी राई के दाने। राई जब हमारी तड़तड़ने लगेगी तो उसमें डाल देंगे थोड़े से करी पत्ते। साथ ही में इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून उड़द की दाल। उड़द की दाल जब अच्छे से फ्राई हो जाएगी और थोड़ी सी ब्राउन कलर की हो जाएगी ना, तो उसमें सूखी लाल मिर्ची ऐड कर दीजिए। तो बस इस समय पर हमारा तड़का बन के तैयार हो चुका है। और अब इस तड़के को गर्मा गर्म चटनी के ऊपर डालिए और अच्छे से चटनी को तड़के के साथ में मिक्स कर लीजिए। वैसे ये चटनी इतनी स्वादिष्ट होती है कि आप इसे दाल चावल के साथ में भी साइड डिश में परोस सकते हैं। तो चलिए, तैयार है हमारी यह स्वादिष्ट सी नारियल की चटनी, जो बड़े बूढ़े और बच्चों सभी को पसंद आती है। तो आप भी इसी तरह से नारियल की चटनी को बनाकर एक बार ज़रूर ट्राई करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक खाते रहिए, खुश रहिए।